नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल बीबीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टेस। उस समय में जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने का सबसे पहले लॉ दिया था डोबरनियर ने। जब डोबरनियर का लॉ ऑफ ट्रायड्स फेल हो गया तो उस समय में जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने भी नॉन एलिमेंट्स को अपने हिसाब से अरेंज करने का सोचा। उन्होंने उसके लिए बहुत प्रयास किए, तो डोबरनियर के बाद सबसे पहले ला दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टेस। इस लॉ में क्या है, न्यूलैंड ने क्या किया, उस समय में जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया। ही अरेंज्ड द नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन। अब जो लोएस्ट एटॉमिक मास है वो है हाइड्रोजन का। तो न्यूलैंड ने स्टार्ट किया अपने लॉ को, यानी जो उसने एलिमेंट अरेंज किए थे उसने उनको अरेंज करना शुरू किया हाइड्रोजन से और एंड किया थोरियम पे, जो उस समय में 56th एलिमेंट था। यानी न्यूलैंड के समय में 56th एलिमेंट नॉन थे। तो उसने क्या लॉ दिया, ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। जैसे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे, तो उसने क्या पाया, जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलती जुलती हैं, यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है और उसके बाद जो 8th एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। उसने इसी आधार पे अपना लॉ दिया। न्यूलैंड ने जो लॉ दिया उसने उसको कंपेयर किया म्यूजिक के ऑक्टेव्स के फॉर्म पे, और उसी आधार पे न्यूलैंड के लॉ का नाम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पड़ा। अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की ड्रॉबैक्स क्या है। सबसे पहले ड्रॉबैक है द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। जो न्यूलैंड ने ला दिया था ऑक्टेव्स का, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कैल्शियम के आगे के जो एलिमेंट्स थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किए हुए उन पे इसकी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं थी, यानी ये सिर्फ कैल्शियम तक सही काम करता था। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोसेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। यानी कैल्शियम के बाद पहले एलिमेंट के बाद अगला 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता था। सेकंड ड्रॉबैक है व्हेन न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड देयर प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑप्टेव्स। अब न्यूलैंड के टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट नोन थे, उसके बाद जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टेव्स के हिसाब से फिट नहीं बैठी। थर्ड है न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। अब न्यूलैंड जो था उसने जो अपनी पीरियडिक टेबल बनाई उसमें उसने एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स भी रखे। जैसे उसने एक ही स्लॉट में कोबाल्ट एंड निकल को एडजस्ट कर दिया था जो गलत था, और यहाँ पे आके हम बोल सकते हैं कि न्यूलैंड की जो लॉ ऑफ ऑप्टेव्स था वो फेल हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।